हाय एवरीवन, वेलकम टू चंद्रिकास रेसिपीज। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में मेथी के पकोड़े बनाकर नहीं खाए तो क्या खाया? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ मेथी के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी सीक्रेट टिप्स के साथ, जिससे पकोड़े एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, जिसे मैंने हाथों से मसल लिया था, आप भी मसल कर ही डालें, थोड़ा सा जीरा, हींग और मरी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और धुली हुई मेथी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेथी को पानी से अच्छी तरह से 3 से 4 बार धोए ताकि उसमें मिट्टी ना रह जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें बेसन की गुठलियाँ ना रह जाए। हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें सोडा डाल देंगे आधा चम्मच, और ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, घोल को हमें अच्छी तरह से फेंटना है ताकि हमारा बेसन जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें से एक बड़ा चमचा इसमें तेल डाल देंगे और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, पकोड़ों का घोल तैयार हो चुका है और तेल भी गर्म है, तो अब हम पकोड़े तल लेते हैं। हाथों से फेंट कर हम पकोड़े तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इस समय पर गैस की फ्लेम को हमें फास्ट ही रखना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पकोड़े में से बबल्स नजर आ रहे हैं। अब हम पकोड़ों को पलट देंगे। पकोड़े लाइट ब्राउन कलर के हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे। हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, पकोड़े खाने के लिए तैयार है। अब हम इसे तली हुई हरी मिर्च और प्याज के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।